जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पुल अप और चिन अप की कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज। दोस्तों ये दो टाइप की होती हैं, पुल अप होती है और एक होती है चिन अप। तो पहले मैं आपको पुल अप करने के तरीके बताऊंगा कि पुल अप कैसे होती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चिन अप को किस तरह से मारा जाता है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस भी मैं इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पुल अप कैसे मारते हैं, ठीक है। पुल अप में दोस्तों आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ रहेंगे, ऐसे बाहर, और आपकी बॉडी बाहर से और ऊपर की तरफ आराम से आपको पुल करनी है। एक, दो, तीन, चार, स्लिपरी है थोड़ा सा, पांच। दोस्तों अभी देखा आपने पुल अप मतलब आपके हाथ बाहर की तरफ रहेंगे। और दोस्तों अब मैं आता हूँ चिन अप पे। दोस्तों आपके हाथ अंदर किस तरफ रहेंगे और आपकी चिन पुल अप बार को टच करेगी। चलिए अब मारते हैं हम चिन अप। हाथ अंदर की तरफ आराम से आपको करना है। वन, देखिए, टू, थ्री, फोर, थोड़ा स्लिपरी है, फाइव। आपका फेस हमेशा, आपकी जो नेक है वो हमेशा पुल अप बार के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ कि फौज में भर्ती होने के लिए जो चिन अप होती हैं वो आपको किस तरह से मारनी है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आराम से और आहिस्ता से ही पुल अप्स की जाती हैं या चिन अप की जाती है। तो दोस्तों अभी आपको देखना है कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से आपको स्लो मूवमेंट में अपने कंधे और बाइसेप में हिम्मत डालनी है, उनकी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों चिन अप फॉर डिफेंस भर्ती। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 चिन अप डिफेंस के लिए, डिफेंस भर्ती के लिए। आप आराम से नीचे ऊपर, वन, आराम से नीचे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, आप स्लिपरी हो रहे हैं, एट, नाइन, आराम से ऊपर फिर से, और 10। आपकी हो गई हैं चिन अप 10 पूरी डिफेंस के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि आपको बहुत स्लो नीचे आना है और बहुत ही स्लो ऊपर जाना है, तो आपकी जो मसल्स हैं उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बिल्कुल स्लो करने के लिए। और जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप पुल अप या चिन अप मारते हैं तो फास्ट ना मारें, स्लो जितना हो सकता है उतना स्लो करें। दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको पुल अप एक भी नहीं लगती हो, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा आप पुल अप बार पे अपने आप को लटका के रखें और धीरे धीरे ऐसे, वन, टू, दोनों कोहनी को मोड़ के, वन, धीरे 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 प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे अपने हेड को हमेशा चिन अप बार की तरफ पुल करें ऐसे, तो आपको पुल अप मारने में बड़ी आसानी होगी। और दोस्तों एक साथ आप कभी भी 10 पुल अप नहीं मार पाते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको आप टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, 3 मारिए, 4 मारिए, 5 मारिए, और 5-5 का, 4-4 का, 3-3 का सेट बनाइए और धीरे धीरे 10 तक पहुंचिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए और फौज में भर्ती होने वालों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। सब्सक्राइब, लाइक,
कमेंट्स एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थोड़ा सा हाथ खोलने हैं और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है और राइट हैंड की तरफ मूव करना है। वाह, अब की बार राइट हैंड की तरफ जाना है और लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है। फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड डाउन। पांच मारेंगे, 1 2। चलो पूरा नीचे आते हैं, 3, फिर 4, 5। चलिए एक और चिन अप मारेंगे, 5। एल शेप में आपके पैर, 1 2 3 4। चलिए लास्ट, 5।